अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति को हमारे ऊपर ठोकना चाहता है। इस विषय पर मेरी डॉक्टर कर्नल निशीत बिहारी सक्सेना से एक आध दफे बात हुई। मैंने पूछा, कर्नल साहब ये क्या हो रहा है, आप तो उस क्षेत्र के अंदर काफी रहे हैं, कारगिल युद्ध में आपने भाग लिया था, सियाचिन के अंदर भी आप थे, उन गोलियों की गड़गड़ाहट और बौछारों के बीच के अंदर आपने काम किया, और आज ये क्या हो रहा है। मैं कर्नल साहब से अब निवेदन करूंगा कि वो अपनी वक्तृता और अपने अनुभव को हमसे साझा करें। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आभारी हूँ भारतीय संस्कृति संसद और भारतीय विद्या मंदिर और उसके चेयरमैन डॉक्टर बी डी मुंद्रा साहब का, एक अवसर प्रदान किया है जहाँ पर मैं कुछ तथ्य और परिस्थिति जो हमारे सीमाओं पर है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करूं और उससे आप लोगों को अवगत कराऊं, क्योंकि आज के इस वातावरण में जगह जगह की बातें और भ्रांतियां फैलती हैं और सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, ये थोड़ा सा भ्रमित आदमी व्यक्ति हो जाता है। मैं इन बातों से जरा सा दूर, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं उसी के बारे में बात करूंगा और अपने अनुभव से, जो मेरा अनुभव रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि ऑपरेशन मेघदूत में 1984 में सबसे पहले जो सियाचिन ग्लेशियर पर इंडक्शन हुआ था, एज ए यंग कप्तान मुझे वहां पर मौका मिला था। उसके बाद 99 की कारगिल युद्ध में भी मैं एज ए कमांडिंग ऑफिसर 112 इंजीनियर रेजिमेंट रहा। तो आज के इसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा, जो वर्तमान परिस्थिति है वो क्या है और हमारा किस तरह से उससे संबंध है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा कारगिल युद्ध के ऊपर जाकर अपने अनुभव और फिर इंजीनियर्स ने उसमें क्या योगदान दिया उसके बारे में बताऊंगा। तो जहां पर हो सकता है मेरा थोड़ा सा बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी मिक्स रहेगी तो समझने में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, तो मैं इस तरह से फिर प्रारंभ करता हूँ। मैं इसको एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में दूंगा जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। जैसा कि इसमें लिखा है कि इंडियन चेकमेट टू चाइना यूजिंग कारगिल एंड ऑफ मेघदूत एक्सपीरियंस। ये चेकमेट वर्ड जो मैंने यहां इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा सा इस समय क्वेश्चनेबल है, जो लोग पूछ सकते हैं क्या वाकई में आज की परिस्थिति में भारत ने चाइना को रोक दिया है या उससे अपर हैंड गेन कर लिया है। इसमें बहुत वाद विवाद हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक मिलिट्री परिस्थिति है उसको जानते हुए और समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज चाइना को हमने चेकमेट कर दिया है, मतलब उसको शह दे दी है और इस समय वो काफी बौखलाया हुआ है। और इसका असली वजह यह है कि हमारा जो पुराना अनुभव है कारगिल और मेघदूत वगैरह का, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि चाइना ने 1976 के बाद कोई युद्ध नहीं किया है, जबकि हमारे जवान परस्पर, चाहे पाकिस्तान हो या इवन कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स हो, सब जगह पर बराबर लड़ते रहे हैं और एक जिसे कहते हैं हम लोग अपनी आर्मी भाषा में बैटल हार्डन ट्रूप्स, मतलब वो इस परिस्थितियों को अच्छी तरह झेलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर कई नाम से जाना जाता है। जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं सामने, हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है,
एक एजीपीएल है और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो सबसे पहले ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है कि इन सब में फर्क क्या है और ये अलग अलग नाम क्यों। तो सबसे पहले देखिए, जो ये लाल मार्क मैंने दिखाया है, ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर बेसिकली वो है जो कि वेल डिफाइंड है, और जिस समय भारत पाकिस्तान बने थे तो रेड क्लिफ लाइन जो थी उसको इंटरनेशनल बॉर्डर माना गया था, और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा कहलाता है, इसके नीचे जम्मू के नीचे आगे गुजरात के अंत तक। इसके बाद आती है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वो लाइन है बेसिकली 1948 में जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और उसके बाद वो अंदर घुस गए, तो फिर भारतीय सेना ने, जब महाराजा हरि सिंह ने अपना कंसेंट दे दिया था कि भाई हिंदुस्तानी फौज इनको बाहर करे, तो उसके बाद जहां तक खदेड़ा उस लाइन तक, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे सीज फायर किया गया था उस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में बेसिकली फेस टू फेस लोग हैं, हालांकि ये भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से इसको एक ईयर मार्क कर दिया गया है और दोनों फौजें आमने सामने बैठी हैं, आई बॉल टू आई बॉल। इसके बाद तीसरी चीज है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। ये सियाचिन ग्लेशियर के अंदर है, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों ने सर्वे किया था उस समय यहां पर कोई पहुंचने की सुविधा नहीं थी और ना ही कोई इस तरह का जरिया था कि वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री या कुछ मार्क किया जा सके। तो बेसिकली ये जो लाइन है, इसीलिए इसको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बोलते हैं, कि जो जहां बैठा है वो उसकी जमीन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम आज हट जाएं तो पाकिस्तानी बैठ जाए तो उनका हो जाए, हिस्सा हो जाएगा। तो इसलिए इसे एजीपीएल बोला जाता है। और चौथी जो लाइन है वो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बेसिकली चाइना की से मिलती हुई है, और यहां पर हमारी क्लेम लाइन जो है, जैसा कि आप, मैं आगे बताऊंगा इस चीज को, एक हमारा परसेप्शन है कि हमारा एलएसी बाउंड्री यहां तक है, और एक चाइना का परसेप्शन है, और उन दोनों में फर्क है। तो इन दोनों एलएसी के बीच में काफी अंतर है, और उसके बीच में एक 1962 युद्ध के बाद एक परिस्थिति बन गई थी, जो कि एक 5 से 10 किलोमीटर के बीच के अंदर दोनों कि भाई ये जगह छोड़ दी जाए और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके अंदर पेट्रोल कर सकते हैं लेकिन कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो ये इनिशियली बेसिकली चार चीजें हैं जो एक टिपिकल हमारे सरहद या सीमाएं के नाम हैं, जो कि पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से किसी देश के साथ उसकी बाउंड्री के इतने नाम नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसमें बाउंड्री कश्मीर कंट्रोल और इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है, और ये लगभग 700 किलोमीटर की टोटल, और ये म्यूचुअली एग्रीड सीज फायर लाइन है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों पार्टी इसमें एग्री कर गई है, जो कि शिमला एग्रीमेंट के तहत इसको माना गया है। इसको मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा कुछ फोटो के साथ दिखाऊंगा आपको। देखिए नीचे की तरफ ये प्लेन है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा ऊपर सकते हैं तो पहाड़ी इलाका आ जाता है। यहाँ पे भी पूरी कंसेंटीना कॉयल और बार्ड वायर लगा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की तरफ ऊपर जाते आते हैं तो आप देखिए इसकी साइज भी छोटा होता जाता है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों के अंदर ये फेंसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पहाड़ गिरते रहते हैं और फेंसिंग वहां पे जगह छोड़ती रहती है। यहां तक कि आप देखिए जो उड़ी के ऊपर का इलाका है और मुजफ्फराबाद के साइड जो उस तरफ है, वहां पे इस तरह के पहाड़ हैं, तो आप देखिए बिल्कुल छोटी एक पिकेट से और कंसेंटीना कॉयल पड़ा हुआ है, और कारगिल के पास तो बिल्कुल ये माउंटेनियस टेरेन हो जाती है, जिसके के अंदर मार्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की इसके अंदर वेरिएशन है, अगर आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो जो लोग कहते हैं कि भाई, कई बार आपने सुना होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि सारे में तार बांध दें, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद देख सकते हैं चार फोटो में, नीचे तो पॉसिबल था लेकिन ऊपर पहाड़ों में इसका इस तरह से
डिमार्केशन करना, रोज लैंडस्लाइड होते हैं, रोज परिस्थितियां बदलती हैं, बर्फ पड़ती है, तो ये एक्चुअली मार्क नहीं हो पाती है। और वहां पर ये जरूरी है कि फिजिकली जो हमारे जवान हैं उस विषम परिस्थितियों में इसको मैन करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद अब मैं आगे आता हूं AGPL की तरफ, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। ये सियाचिन ग्लेशियर में जो मैंने बताया आपको NJ9842 से इंदिरा कोल तक है, और ये जो है आप देखिए जैसे कि फोटो में दिखाया हुआ है, ये इलाका NJ9842 है और ये इंदिरा कोल है। ये पूरी लाइन जो है ये सल्त्रो रिज कहलाती है, और ये हम यहां पर बैठे हैं और पाकिस्तान इसको यहां क्लेम करता है। इसकी वजह ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान है, यहां काराकोरम पास है, और ये पूरी रोड जो सी पैक आप लोग सुनते होंगे वो इधर से जाती है। अब इसकी प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है और चाइना की भी कि यहां बैठ के हम लोग इस रोड को मॉनिटर कर सकते हैं, तो सियाचिन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि एरिया कवर जो लाल बाउंड्री से है कि कैसे हम एरिया पाकिस्तान के अंदर का कवर कर सकते हैं इधर से, तो ये पूरा एरिया हम डोमिनेट कर रहे हैं जो आप लाल रंग से देख रहे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर, कई बार आपने डिस्कशंस में या लोकल उसमें सुना होगा, लोग कहते हैं हम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये जगह छोड़ दी तो आपका पूरी महत्वता कश्मीर और यहां तक कि सीपैक चालू हो जाएगा और आप घिर जाएंगे दुश्मनों से। तो इसकी ये महत्वता है इस सियाचिन ग्लेशियर की, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हालांकि बीच में इस तरह का मूव हुआ था कि दोनों फौजें हट जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इन चोटियों पर पहुंचना 1984 में जब मैं वहां पर शुरू में गया था, उस वक्त आप में युद्ध शुरू हुआ था जब पहली बार हिंदुस्तान ने इस पर कब्जा किया था, और हमने जाके वहां पर जो स्नो टेंट वगैरह फौज के लिए बनाए थे, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है जिसका कि थोड़ा सा वर्णन आप लोग देखेंगे। ये पाकिस्तान से व्यू है हिंदुस्तान की साइड का, जो आप देख रहे हैं लाल मार्क है। तो ये बेसिकली एक जनरल व्यू है AGPL का, लेकिन इसके साथ ही जो अगर आप ये देखेंगे ये सल्त्रो रेंज है पूरी, ये जगह जगह पॉइंट इंपॉर्टेंट, आप जो नाम सुनते होंगे इंदिरा कोल, शिया कांगड़ी, सियाला, सल्त्रो कांगड़ी, बेलाफोंडा, ये सब इसी के पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये रेंज पूरी ये पाकिस्तान को कवर करती है। और इस तरफ जो है हमारा ये मैं DBO जो लिखा है इस पर मैं बाद में बात करूंगा, और इस तरफ से हम क्या है पूरी काराकोरम पास कवर करते हैं। तो ये इलाका जो है इस तरह से बहुत महत्व रखता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सियाचिन की वो परिस्थिति, ये जो बाना पोस्ट आप देख रहे हैं 21,500 फीट, ये ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह उस वक्त सूबेदार थे, नायब सूबेदार, 1984 में जब उन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ इंसिडेंट, ये पहले पाकिस्तान के पास ये टॉप थी और इसको कायदे आदम सिन्हा नाम से पोस्ट को कहा जाता था। इस खड़ी पहाड़ी पर बाना सिंह और एक कर्नल वीरेंद्र, एक मेजर वीरेंद्र थे, वो ये सोनम पोस्ट और ये बाना पोस्ट दोनों उन्होंने खड़ी पहाड़ी से जहां पे उनको उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानियों को, एक झटके के अंदर इन्होंने उसको उन्हें हरा दिया था और यहाँ पे जीत लिया था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये बाना टॉप है, ये सोनम पोस्ट है, आज एक हेलीपैड हमारा यहाँ पर है इस जगह पर। ये सारा इलाका 12 महीने बर्फ से जमा रहता है, और इन दोनों का फर्क जो आप देख सकते हैं 500-600 फीट का है, लेकिन ये अगर पोस्ट छोड़ दें जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पूरा एरिया कवर करती है। जो है सोनम पोस्ट जो मैंने दिखाया, ये वहां पे इस तरह का एक व्यवस्था होती है, जो हमारे फौजी सोनम पोस्ट पे हैं उसका एक नजारा है किस तरह से टेंट बर्फ में है। आपको ध्यान होगा कि बीच में एक सियाचिन के अंदर ऊपर से एवलांच गिर गया था और काफी लोग हमारे जवान उसके अंदर बर्फ में दब गए थे, ये वही जगह है जहां ऊपर से पूरी बर्फ टूट के नीचे आ गई थी और हमारे जवान इसके अंदर दब गए थे। ये खड़ी पहाड़ियां हैं, आप समझ सकते हैं ये जो ट्रैक है ये इंजीनियर्स बनाते हैं इस तरह से, और ये ट्रैक रोज खत्म हो जाते हैं बर्फ में और रोज इंजीनियर्स इनको बनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर्स का काम यहाँ पर
ये ट्रैक जो है चढ़ने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे जवान बैठे हैं और ये देखिए दोनों एरिया जो कवर हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये जवान जो बैठे हैं यहाँ पर अगर उनके पास रसद नहीं पहुंचेगी, और रसद के लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि वो जगह मेंटेन हो। सियाचिन ग्लेशियर के एडवांटेज क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सल्त्रु रिज से पूरा डोमिनेशन मिल जाता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान चाइना को हम किसी भी समय, क्योंकि हम ऊंचाई के ऊपर बैठे हैं, हम वहां से रोल डाउन करके पाकिस्तान चाइना को बीच में बिल्कुल तोड़ सकते हैं किसी भी समय। आज की तारीख में लगभग 5,000 ट्रुप्स हमारे सेना सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर मौजूद है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनकी सारी गतिविधियों पर यहां से हम अपना निगाह रख सकते हैं। खर्चे की बात जहां तक है, आपको एक इंटरेस्ट पॉइंट होगा, 5 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। एनुअल कॉस्ट हमारे खर्चे की 3,000 करोड़ है सिर्फ सियाचिन की। 1984 से जब से ही शुरू हुआ था अब तक भारत के 850 जवान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, और पाकिस्तान के लगभग 1800 जो जवान हैं वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? आपको ताज्जुब होगा कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर गोली से मौत कम होती है, बल्कि एडवर्स कंडीशन और क्लाइमेट, इससे ज्यादा वहां पर जो कैजुअलिटीज हैं वो होती हैं। होता क्या है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर ही है, जिससे कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, और यहां पर एक जवान का टेन्योर खाली 3 महीने का होता है। और मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि मैं वहां पर रहा हूं, उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो आप 3 महीने के अंदर पहचानना भूल जाते हैं लोगों, आपकी यादाश ऐसी हो जाती है कि सुबह जब आप उठते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या है, मतलब एक तरह से डिमेंशिया जिसे बोला जा सकता है। तो ये वहां के इफेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी एक जो डिजीज वहां पे डेथ होती है पल्मोनरी ओडिमा या हाइपोथर्मिया, जो लंग्स में चेस्ट में हर एक आदमी को थोड़ा बहुत पानी होता है, और उस बर्फ में जो पानी जम जाता है, और इसमें सेकंड नहीं लगते हैं, सांस लेते ही ठंडे से जैसी पानी जमा, व्यक्ति देखते देखते आंखों के सामने वहीं पे धराशायी हो जाता है अगर उसको इमीडिएट ऑक्सीजन या एड ना मिले। फ्रोस्ट बाइट, हाइपोक्सिया, सिरदर्द, ये सब बड़ी कॉमन चीज है। और सबसे बड़ा दुश्मन इस इलाके में जो है आदमी का अपना पसीना है, क्यों, जब आप चलते हैं उठते हैं तो आपके बदन से पसीना निकलता है, और आप मोटे कपड़े पहने होते हैं ऊपर से, वो पसीना अंदर बर्फ में जम जाता है आपके बॉडी के ऊपर, तो वो बर्फ जो है आपके जितने भी पोर्स हैं उन सबको ब्लॉक कर देती है, और ये टेम्परेचर -60 टेम्परेचर डिग्री तक जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। कहना ठीक है कि उसको मैं ये कह सकता हूं कि ये इस चीज में आसानी से, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, और किसी तरह से हम फिर भी हमारे जवान इसको सबको, आप समझ सकते हैं कि कितने जवान 3 महीने के अंदर, आज तक हमारे कितने जवान उस इलाके में नौकरी कर चुके होंगे 1984 से अब तक। नाउ इसी सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ जा रहा हूं, LAC की तरफ। जैसा कि मैंने कहा इंटरनेशनल बॉर्डर से मैं LOC पे आया था, LOC से AGPL पे, अब मैं LAC की तरफ आ रहा हूं जो चाइना साइड है। तो ये हमारा, जैसे आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, ये इलाका जो है सियाचिन ग्लेशियर का है जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, और ये एक जगह है जहां ए लिखा हुआ है, दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड है, सॉरी दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड है ये। तो ये एयरफील्ड जो है ये 1962 की लड़ाई के बाद 1963 में इस जगह को सोचा गया कि भाई एक एयर स्ट्रिप बनाई जाए यहां पर, और ये उस सोच के कारण इसको बनाया गया, और तत्पश्चात ये जो है दलित बोग ओल्डी, और ये जो आप नीली लाइन देख रहे हैं यहां पर, आज चाइना के साथ ये बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की असली जड़ ये है, क्योंकि चाइना जो आपने नाम सुना होगा गलवान, उसके ऊपर आगे आऊंगा, ये जो
डीबीओ है इस पे हमें पैदल, पहले इधर से हम जाते थे न्यूब्रा वैली से, और न्यूब्रा वैली से जाने में हमें 6-7 दिन पैदल लगते थे यहाँ पहुंचने के लिए। जब से बॉर्डर रोड्स ने ये सड़क बनाई है और बन रही है आगे, ये सब 2014 के बाद 15 के बाद हुआ है, उससे क्या हुआ, चीन बौखला गया है और यहाँ पे अब हम 6-7 दिन के अंदर ही पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको ये लगने लगा है कि अब यहाँ पर भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तो ये उस रेफरेंस में है। इसको अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ डीबीओ है क्या। दौलत बेग ओल्डी, ये एयर जो वो था एयरफील्ड, ये डीबीओ जो आप देख रहे हैं, ये जैसा कि मैंने कहा कि 1963 पर काम शुरू किया गया, उसके बाद फिर जब चीन से संबंध ठीक होने लगे तो इसको बंद कर दिया गया, और फिर उसके बाद 16-17 साल बाद जब फिर थोड़ा सा वो हुआ तो इसके बारे में सोचा गया, और अभी पिछले 4-5 साल से 2014 के बाद गवर्नमेंट ने कंसंट्रेट किया इसके ऊपर और इसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहां से सीधा आप देखिए काराकोरम पास पूरा कंप्लीटली एरिया ब्लॉक है, चाइना नहीं चाहता कि किसी भी तरह से हमारे पास रहे, और वो इस स्थिति को समझते हुए, ये जो आप गलवान देख रहे हैं जो अभी इंसिडेंट हुआ था, वो इसका इसलिए हिस्सा था कि ये जो सड़क है यहाँ पे, जो पीली लाइन आप देख रहे हैं एलएसी की, ये सबसे करीब थी। चाइना की मंशा ये थी कि वो यहाँ गलवान रिज के ऊपर आके बैठ जाए रिवर के ऊपर और इस रोड को ब्लॉक कर दे, जिससे कि हमारी फौजें डीबीओ पे ना पहुंच पाए, ना रसद पहुंच पाए। तो इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है कि उसे गलवान में अपनी जो सक्सेस है वो नहीं मिली। और यहाँ का एयरफील्ड के बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर आप देखिए, इसके बारे में जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उस हाइट के ऊपर वहां पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस एयरफील्ड को बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 16,696 फीट, हाईएस्ट ALG। हम इसे ALG किस लिए बोलते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, क्योंकि ये प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ लैंडिंग ग्राउंड है, और अभी इसको इतना मजबूत कर दिया है हमारे इंजीनियर्स ने, फौजी इंजीनियर्स ने, कि वहां पर अब जो है अमेरिका का जो सुपर हरकुलस C-130 भी उतर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 kg वजन ले जा सकता है, जैसा कि नक्शे में है दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम पास। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए एयरफील्ड की संरचना कैसे है, टारमैक नहीं है वहां पर, जो लोग नॉर्मली समझते हैं कि साहब नॉर्मल रनवे होगा कि उसके ऊपर रोड की तरह टारमैक होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये PSP शीट्स हैं सारी, परफोरेटेड स्टील प्लेट्स, इसको एक दूसरे से जोड़ा गया है और इसके नीचे पूरी रेत है जो इस रेत को पूरा इससे कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहां पर इसके ऊपर हवाई जहाज उड़ता है। अब मैं आपको एक जहाज की वीडियो दिखाता हूं जो इस जगह पर कैसे ऑपरेट करता है। क्या ले दोनों देख उल्टी है ऊपर हरकुलस जहाज को उसे सकते हैं तुमने तो इस तरह से जो आपने देखा अभी कि
कितना ही उसके ऊपर धूल और ये जो हवाई जहाज है किस परिस्थिति में ये एयरक्राफ्ट उतरता है। लेकिन एक चीज बता दें आपको कि ये एयरक्राफ्ट जो है तकरीबन 92 जवानों को एक बार में ले जा सकता है, और आज यही मेन लाइफ लाइन है। और दूसरी लाइफ लाइन है जो रोड मैंने आपको दिखाई और जो यहाँ पर रेड कलर से दिखाई गई है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए, जिसकी वजह से यहाँ गलवान और यहाँ पेगोंगसो, ये जो नीचे की तरफ है, ये इशू सिर्फ इसीलिए है कि चाइना नहीं चाहता कि ये जो लोड है, ये रोड जो है इसको हम बनाए। हालांकि अब तो बना दिया है, क्योंकि आज तक 70 साल में 2014 से पहले हमने कभी हिम्मत ही नहीं की इस रोड को बनाने की। और चाइना ये समझ बैठा था कि भारतीय जो हैं वो इसी तरह से पीस करते रहेंगे, शांति रहेगी, और इसको वो कभी भी रोड ये आगे नहीं आएगी। तो एक तरह से वो उस मुगालते में थे। अब मैं आगे आता हूं जो LAC है उसके ऊपर, जो है कि LAC है क्या। LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच में बाउंड्री है, और बेसिकली क्या है कि इट हैज ए डिफरेंट क्लेम लाइन। हम कहते हैं कि ये आगे की तरफ है और चाइना कहता है ये हमारी तरफ है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस हम दोनों के परसेप्शन में है वो 50 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक का है। और ये पूरे ही उत्तर भारत में, एक तरह से जम्मू कश्मीर में से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये डिस्प्यूटेड है। तो थोड़ा सा इसका मैं दिखाता हूं आपको। 1959 से पहले हमारी कोई बाउंड्री चाइना से नहीं थी, ये पूरा तिब्बत था। सिर्फ हमारी कुछ गलतियों की वजह से, या उस वक्त पंचशील नाम से जो एक पीस प्रक्रिया थी उसके तहत हमने तिब्बत आसानी से जाने दिया, और आज यह हमारी गले की फांस बन गई। तो उससे पहले तो हमारा चाइना से बॉर्डर था ही नहीं, हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ था। और उसके बाद 59 में चाइना ने तिब्बत ऑक्यूपाई कर लिया, और बिना किसी उसके रेजिस्टेंस के। और दलाई लामा उसके बाद, जैसा आप सब जानते हैं, कि भारत आ गए भाग के, और यहां पर उनको शरण दी गई। और पंचशील की वजह से हम उसको आगे की चीज को विजुलाइज नहीं कर पाए कि भाई आगे क्या होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इधर ये जो गहरी लाइन है, 1962 में यहां पर चाइना ने कहा ये नेपाल का बॉर्डर है, उसके बाद ये सिक्किम ईस्टर्न सेक्टर में, और ये ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में। ये तकरीबन 4056 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पूरी। बेसिकली क्या है, अगर आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है इसकी, हम भारतीय जो हैं वो 1865 में जॉनसन लाइन है उसको मानते हैं, जबकि चाइना का कहना है कि वो जॉनसन लाइन को नहीं मानता, और वो जो है इसको जो है कहता है कि नहीं, 1899 की मैकडॉनल्ड लाइन को वो मानता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देखेंगे, अभी अलग अलग लाइन है। ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में 1873 में ये लाइन तय की थी पीली वाली। उसके बाद 1899 में जो चाइना मानता है वो ये लाइन थी हरी वाली। इंडिया ने 1865 की लाइन मानी, जो ये वाली लाइन है, ये जो जा रही है डॉटेड। इसी बीच में देखिए, जब से ऑक्यूपाई करके उन्होंने, चाइनीज ने अपनी एक सड़क भी बना ली यहां पर ऑक्यूपाई करके 1962 के बाद, तिब्बत रोड। 1969 तक हमारी पेट्रोल जो थी फौजी वो यहां तक जाती थी आगे, जो लाल लाल बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे। उसके बाद चाइना ने कहा नहीं, ये लाइन में आप इसके आगे इधर इस तरफ नहीं घुस सकते। और 1962 में जब चीन ने हमला किया तो उन्होंने ये लाइन जो नीली वाली है डॉटेड, ये पकड़ ली। करेक्टली स्पीकिंग अब जो परिस्थिति है इस समय, 1993-96 जो यूपी गवर्नमेंट ने चाइना के साथ पैक्ट किया, और 2013 में उसमें एक तरह से एक एग्रीमेंट हो गया था
कि भाई अच्छा चलो इस लाइन को मान लिया जाए और इस तरह से ये लाइन है। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, इस लाइन के आगे भी जो लाल लाइन है वो कहता है ना हम तो इसके आगे यहां तक हमारी एलएसी। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि चाइना को ये लगा कि भाई यहां बैठ पीछे रह के वो डीबीओ और काराकोरम पास कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए यहां आना जरूरी है। तो ये झगड़े की सारी जड़ है लाइनों की, एलएसी की। और इसमें जो भी कुछ आप कहिए कि थोड़ा सा हमारी समझदारी का इसमें अभाव रहा है। और इसको बेसिकली एलएसी को लीगली रिकॉग्नाइज 93-96 और जो 2013 में जो एक एमओयू एक तरह से साइन कर दिया हिंदुस्तान ने, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। लेकिन एक्चुअल में जो लाइनें हैं, जो फाइनली कंफ्यूज आप लोग मत होइए, मैं इसलिए जो एक कंसोलिडेट लाइन बता रहा हूं, इंडिया की क्लेम लाइन ये है, चाइना की क्लेम लाइन ये है और 1962 की क्लेम लाइन ये है। अब परिस्थिति ये है कि हम ये तो हम क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारी लाइन है, लेकिन चाइना यहां तक बैठा हुआ है जो एलएसी हमने 93-96 में मान ली एक तरह से सरकार ने। और लेकिन अब चाइना कहता है ये आगे तक हम लाल लाइन हमारी। झगड़ा इसके बीच का है जो 50 से 100 किलोमीटर के बीच ये एरिया है। ईस्टर्न पोर्शन में जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, वहां में भी इस तरह से ये जो चाइना ने क्लेम कर रखा है एरिया जो लाल बिंदु से मैं दिखा रहा हूं, ये जगह को वो कहता है कि ना ये हमारे इलाके हैं। और जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं पूरी, ये अभी सरकार ने 2014 के बाद इस रोड को 2000 किलोमीटर की रोड है, इसको प्रपोज किया है कि ये पूरी रोड हम बनाएंगे और इस पे काम भी शुरू हो गया है। तो इससे चीन और बौखलाया हुआ है कि अगर ये रोड जैसे अब की सरकार बना रही है तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद वो अपना क्लेम फिर धीरे धीरे लूज कर सकता है। इस चीज को विजुलाइज करते हुए वो ये सारे एक्शन इस वक्त बहुत तेजी से ले रहा है। अब मैं आता हूं एक्चुअली हुआ क्या है जो अभी इंसिडेंट आप सुन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अब तक आपको कि गलवान के अंदर क्या हुआ था, जो जिस तरह से नक्शे में आपने देखा था कि वो पॉइंट है कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट और वहां पर रोड सबसे करीब है, तो क्या हुआ कि चाइनीज ने वहां पर गलवान में 16 जून को, पहले वहां पर क्या था 6 जून को एक दोनों में बात हुई बहुत दिनों से दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडरों में कि भाई कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जो जहां पर है ये। लेकिन चाइना को क्योंकि क्या था, उन्होंने उस जगह पर आके अपने टेंट गाड़ दिए और इस टेंट से क्या हुआ कि जब टेंट उस जगह गलवान में उन्होंने उस हाइट के ऊपर गाड़े तो हमारी जो पेट्रोल पहुंची तो उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। इसके बाद जो वहां पर बिहार रेजिमेंट थी उसमें उन्होंने रात को जब उन्होंने जाके कहा कि भाई उनके कर्नल साहब गए साथ में, तो उन्होंने एकदम उसके ऊपर क्या किया कि अपने पत्थरों से और जो तार लगी डंडे थे और भी जो इस तरह के हथियार लोकल थे, क्योंकि 1993 और 96 के उसके अंदर संधि में ये था कि हम दोनों फायरआर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत उसी मुगालते में या उसी में रह के गया कि भाई हम तो पीस लविंग कंट्री हैं और हम खाली हाथ जाएंगे क्योंकि ये दोनों इसका सम्मान करेंगे, और उसमें इनके साथ धोखा हुआ। सवाल ये है कि यहाँ पर कई बार प्रश्न उठता है कि फौज बिना हथियार के क्यों गई, लेकिन क्योंकि एक संधि के मुताबिक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं और ये पहला इंसिडेंट हुआ जहां पर इस तरह का चाइनीज ने अटैक किया। उस के ऊपर जब अटैक किया गया 16 बिहार के सीओ के ऊपर, और तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो सीओ जो थे और उन्होंने वहां से हटने को मना कर दिया
जो चाइनीज थे, और उन्होंने कहा कि ना हम नहीं मानते, हम इस जगह से तंबू नहीं हटाएंगे, आपको जो करना है कर लो। रिजल्ट ये हुआ कि जब बहस थोड़ी सी बढ़ गई और हिंदुस्तानी सेना ने कहा कि नहीं नहीं हटाओ तंबू, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक वही पत्थरों से और जो उनके पास लाठी डंडे और सरिये वगैरह थे, और उसमें क्या हुआ कि वो एक बड़ी खड़ी चौड़ाई थी और नीचे गलवान नदी बह रही है, जगह बहुत कम है वहां पर। इस पूरे कंफ्यूजन में, क्योंकि चाइनीज थे ये लोग, आधी हमारे फौजी क्योंकि तैयार तो थे नहीं उस हिसाब से, ये बेचारे ऊपर से धक्का मुक्की में गिर गए नदी के अंदर, और हमारी काफी डेथ, जो टोटल 20 शहीद हुए लोग, उसके अंदर इस वजह से हुई कि लोग ऊपर से नीचे गिरे। लेकिन जैसे ही ये खबर पीछे लगी तो उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, और इमीडिएटली एक कंपनी कमांडर 16 बिहार के 40 मिनट के अंदर अपने बाकी फौज लेके पहुंचे। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो अटैक बहुत तगड़ा अटैक था, जिसमें कहा यह जा रहा है और कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि तकरीबन 50 से 55 चीनियों को हिंदुस्तानियों ने वहां पर उठा उठा के ऊपर से भेज दिया प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारे जवान लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा तगड़े थे और इसमें काफी चीनियों को नुकसान हुआ। हालांकि चीन ने आज इस चीज को माना नहीं है, और एक लगभग 3 घंटे तक ये लड़ाई झगड़ा चला। उसके बाद फिर जब चाइनीज थोड़े से ठंडे हो गए, पीछे हट गए, और इस फिर झगड़ा वहां पर अगले दिन इसकी सॉर्ट आउट शुरू हुई। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो हमारे 20 जवान शहीद हुए और फौज को हथियार इस्तेमाल नहीं करने दिए गए, एक तरह से फौज के अंदर डिसेंट पैदा हो गया जवानों, और कहने की बात पब्लिकली मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर किसी फौजी को या किसी लड़ने वाले को निहत्ते हाथ बांध के भेज दिया जाए या लड़ने को कह दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर ही क्यों लागू होता है जबकि चाइनीज लागू नहीं होता। इस चीज में फौज में एक तरह से कमांडर भी इस पर काफी क्रोधित हुए, और एक तरह से फौज ने इस चीज को रिप्रेजेंट किया, और इस चीज को कि ये संधि जो एग्रीमेंट है 93-96-2013 का यूपी गवर्नमेंट का, इसको हम नहीं मानेंगे। इस पर जब काफी रेजिस्टेंस हुई भारत की तरफ से, और एक मोदी जी वहां पे इमीडिएटली जब ये खबर उन्हें लगी, तो 300 किलोमीटर की एलएसी है, अगर उस पर आप डिफेंसिव पोस्चर ही रहेंगे, हमेशा रक्षात्मक रूप में खड़े होंगे, उसके लिए बहुत फौज चाहिए, जो पॉसिबल नहीं 300 किलोमीटर में कि हर जगह आपका आदमी खड़ा रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि कमांडर्स ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो उस चीज को सरकार के पास पहुंचाया गया। मोदी ने एक सरप्राइज विजिट की, और कहते ये हैं जो सुना जाता है कि वहां पर जब उनको सिचुएशन समझाई गई, तो उन्होंने वहीं पर ऑन द स्पॉट ये डिसीजन दिया कि मुझे ये मत बताइए कि आप कैसे रक्षात्मक होंगे, मुझे ये बताइए कि अब आप कैसे ऑफेंसिव होंगे। बस ये काफी इंडिकेशन था कमांडरों के लिए कि हमें आगे करना क्या है, और उसी समय से ये 29-30 अगस्त नाइट की प्लानिंग शुरू हुई। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने कहा कि पेगोंग सेक के पास ये इलाका है, यहाँ पर कुछ हाइट थी जिसपे कि जो चाइना के ऊपर डोमिनेट करती है। ये बड़े हिसाब से प्लान किया गया, और इसके अंदर क्या किया गया कि इस ऑफेंसिव को पेगोंग और स्प्रोंग ये इस इलाके के अंदर कि जो फौज है, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं पेगोंग का, ये पेगोंग से लेक है, ये चाइनीज है यहाँ पर इस तरफ, और यहाँ पर चाइनीज की फौज है। ये जो पहाड़ियां हैं अभी तक अनऑक्युपाइड थी, या चाइना के ऊपर पेट्रोल आती थी बैठते थे। हिंदुस्तान ने पहली बार अपने इतिहास में ऑफेंसिव डिफेंस इस्तेमाल किया, और उसके लिए पूरी कोर 17 माउंटेन ऑफेंसिव कोर, और यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा एसएफएफ ब्रिगेड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ब्रिगेड, ये एक स्पेशल फोर्स है जो कि 1963 में बनाई गई थी चाइना के बाहर, और ये ET-22 भी कहलाती है, एस्टेब्लिशमेंट 22। इसके अंदर टिबेटियन लोग हैं जो उस वक्त तिब्बत से आए थे, और वो इसके अंदर भर्ती है, तो ये इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं।
और वो इस इलाके से बहुत वाकिफ हैं और उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। तो ये स्पेशली बुलाए गए इसको, ये जो आर्मी है SFF को, और उनको ये टास्क दिया गया कि भाई आप 120 मिनट के अंदर चीनियों से पहले इन पहाड़ियों पर पहुंच जाओ। आप समझ सकते हैं 120 मिनट में नीचे से ऊपर रात में एकदम चढ़ के जाना और उसके बाद चीनियों से वहां पर मुकाबला करना मुश्किल कार्य था, लेकिन इन लोगों ने अंजाम दिया। और ये जो चीज थी इसका नतीजा ये हुआ कि हेलमेट ऑक्यूपाई कर लिया, ब्लैक टॉप ऑक्यूपाई कर लिया, ये पूरी रिज ऑक्यूपाई कर ली और यहां से पूरा ये चाइनीज इलाका। इससे चाइना बहुत बौखला गया और चाइना के साथ दिक्कत ये हुई कि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ कभी। ये मुखपारी में इनका जो आप देख रहे हैं नीचे मुखपारी लिखा हुआ है, ये जगह जो है ये एक बहुत बड़ा उनका गैरिसन है जो जहां पर इनकी फौजें हैं। तो मुखपारी के अंदर तो ये इस जगह पर है मुखपारी नीचे, ये इस तरह से आई देख चीज देख के। अब यहां से देखिए ब्लैक टॉप से ये पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, ये जो एरिया है डोमिनेटिंग बाय ब्लैक टॉप से यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये डोमिनेट हो जाता है हेलमेट से। अब आप समझ सकते हैं कि चीन पूरा ही इलाका हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अब चीन जो था, ये जो आप फिंगर्स देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले ये था कि चाइना को 8 तक रहना है और हिंदुस्तान यहां तक, और दोनों इस बीच में पेट्रोल करेंगे 3 तक और ये पेट्रोल करेंगे, ये इलाका नो मैन्स लैंड रहेगा। लेकिन चाइना ने इस चीज को नहीं माना और धीरे आके यहां बैठ गए। लेकिन अभी हिंदुस्तानियों ने क्या किया है, ये जो ऊपर की हाइट है यहां पकड़ के बैठ गए। तो अब इस तरह से चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है कि एक तो इधर से हिंदुस्तान ने जोर डाल दिया है और एक तरह से चाइना एक बड़ी कठिन परिस्थिति में आ गया है स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो उसने क्या शुरू किया है कि अब तरह से पीस की बात कर रहा है, जिससे कि फिर से हिंदुस्तान एक बार जो है पीस की बात करे और यहां से हटे और हमें मौका लगे और हम फिर ये हाइट को ऑक्यूपाई कर लें। और ये गलती शायद हमें इस बार नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक इफेक्ट क्या हुए इसके, सबसे पहले तो ये हुआ कि जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज थी उन्हें एक तरह कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हिंदुस्तान कुछ कर सकता है। अभी तक ये था कि हिंदुस्तान के बारे में लोग ये सोचते कि कुछ भी कर लो हिंदुस्तान कोई जवाब नहीं देगा, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। दूसरा, जो हिंदुस्तान के नेबर हैं पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और ये आपके बांग्लादेश, भूटान, इनको भी एक तरह से ये मैसेज चला गया कि भाई हिंदुस्तान मौका पड़ने पर बहुत कुछ कर सकता है, और वो रीथिंक करने लगे हैं। उसका एग्जाम्पल श्रीलंका का ही, जो उनका वहां पर हमें टोटा वो है उसको करें रीथिंक करेंगे जो चाइना के पास है। तो एक तरह से हिंदुस्तान की जो वैल्यू है और कॉन्फिडेंस जो लोगों में बढ़ गया है कंट्रीज में। और अब चाइना की चिंता ये है कि इससे क्या होगा कि जो तिब्बतियन है उसके इलाके में, जो तिब्बत के इलाके में वहां पे ऐसा ना हो कि उन तिब्बतियन को भी जोश आ जाए और वो धीरे धीरे अपना रिवोल्ट करना और इस तरह से वहां पर वो शुरू कर दें। तो ये स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े इफेक्ट इंडिया के इस एक्शन से मिले हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, दूरगामी परिणाम इसके होंगे। आज भले ही लोग इसको क्रिटिसाइज करें जो भी कहें, और जहां तक ये प्रश्न है कि भारत ने जमीन खोदी, जमीन पाली, देखिए जैसा कि मैंने कहा इस LAC के अंदर ना जमीन खोई है ना जमीन पाई, यहाँ डोमिनेशन किसका है वो बहुत महत्व रखता है कि पकड़ किसकी गहरी है, कि जब मौका लगे तो उस पकड़ से आप एडवांटेज गेन कर ले। टेक्टिकल इफेक्ट क्या हुए हैं कि इंडिया इज इन डोमिनेटिंग पोजिशन पूरे पेगोंग से एरिया में, और द कंप्लीट चाइना जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो हमारे पूरे उसके अंदर डोमिनेशन में आ गया है। और इस इंडिया की स्ट्रांग पोजिशन हो गई है निगोशिएशन के लिए, मतलब अब हिंदुस्तान ये कह सकता है कि तुम यहां से हटो तब हम बात करेंगे, और यही मेरे ख्याल से आज मुद्दे की बहुत बड़ी जड़। तो ये मैंने एक बहुत शॉर्ट में आपको जो चाइना के साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताया है। लेकिन अब मैं जाऊंगा थोड़ा सा पीछे कारगिल की तरफ। ये चाइना के साथ जो हुआ, मेरे ख्याल से इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि
चाइना को ये मुगालता हमेशा रहा कि भारत पीस की बात करेगा, शांति की बात करेगा और फिर हमारी बातों में आकर पीछे हट जाएगा। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी पाकिस्तान जो है उसका जन्म ही हमारी विरोध करने के लिए पैदा हुआ। पाकिस्तान कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका बेसिक एम क्या है कि हर चीज में भारत का विरोध करना और भारत से झगड़ा करना, उसकी बुनियाद ही उसी के ऊपर है। तो ये कारगिल वॉर जो है इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हल्का सा देता हूं। पहले इसमें हुआ क्या कि वाजपेयी साहब के जमाने में फरवरी में आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब बस लेके गए थे और एक लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। उसके अंदर क्या बात हुई थी कि भाई दोनों कंट्रीज एक एमओयू साइन करें जिसके अंदर मोटा मोटा कि शिमला एग्रीमेंट को बेस माना जाए और एक पीस का एटमॉस्फेयर बने और किसी तरह से हम दोनों तीसरी पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर को रिजॉल्व करें। तो इस तरह से ये एक डायलॉग शुरू हुआ और इस ट्रीटी को दोनों पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान ने भी, एक्सीड किया, मतलब एक्रेडिट किया। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं आई, जो उनके फौजी थे पाकिस्तान के उनको ये पसंद बिल्कुल नहीं आई और वो ये चाहते थे कि कश्मीर में किसी तरह से एक अपव्यूल पैदा हो और हम एक डोमिनेटिंग पोजीशन अख्तियार कर लें। और चुपचाप उन्होंने परवेज मुशर्रफ जी ने जनरल मोहम्मद अजीज वहां पे जो उनके एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे उनके साथ मिलकर ये कारगिल का प्लान बनाया। तो ये प्लान एक्चुअली परवेज मुशर्रफ फौज का प्लान था। अब ये डाइकोटोमी है, देखिए वहां पर एक सरकार है और एक फौज है, सरकार को ये नहीं पता फौज क्या कर रही है। तो ये बड़ा टिपिकल सिनेरियो है वहां पर कि किससे बात की जाए और किससे क्या। और इसी तरह से उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये प्लान किया कारगिल के लिए। यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि कारगिल के अंदर जैसा कि हमने कहा कि जोजिला पास जो है आगे, जो नक्शा आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो रोड जा रही है, ये आप देखिए जो ये जो रोड है, ये पूरी रोड यहां से खासकर इस पोर्शन में पाकिस्तान यहां से डोमिनेट करता है। मतलब ये पाकिस्तान अगर यहां पर गोले बरसाना शुरू कर दे तो ये काक्सर और कारगिल की सड़क जो है ये पूरी बंद कर सकता है। तो ये सोचकर इन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर जो पॉइंट आप एरो देख रहे हैं लाल वाले, जगह जगह पर इन्होंने अपने घुसपैठ नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री थी और जिहादी थे उनको इन्होंने यहाँ पर ठंड के टाइम पे जब पेट्रोल नहीं जाती थी फरवरी में उससे पहले यहाँ पहुंचा दिया। और एम उनका ये था बेसिकली कि यहाँ से सबसे पहले काक्सर कारगिल की रोड बंद कर देंगे और उसके बाद फिर इधर से अटैक करके कारगिल और लेह पे कब्जा करके हम पूरा हिंदुस्तान को कश्मीर से काट देंगे, लेह लद्दाख। ये लड़ाई जो है 4 मई 1900, सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत लिमिटेड वॉर थी ये और इस लड़ाई के अंदर लेह लद्दाख एरिया में हुई है। और बेसिकली पाकिस्तान ने फौज को डायरेक्टली नहीं लगाया, जैसे हमारी बीएसएफ है, आसाम राइफल्स है, इसी तरह से उनकी नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री है, उन्होंने उसको आगे रखा कि हमें तो पता ही नहीं, फौज तो लड़ी नहीं रही है। और ये लड़ाई जो सेक्टर में हुई, 4 सेक्टर में बेसिकली, जो आप गोले देख रहे हैं, जो यहाँ पर गोले हैं अलग अलग, मशको वैली, द्रास सेक्टर, काक्सर कारगिल सेक्टर और ये जुबार सेक्टर, तो ये 4 एरिया थे जहां पर इन लोगों ने, जैसा कि आप भी देख रहे हैं कारगिल काक्सर की सड़क, ये सड़क खासकर बॉटलनेक थी जो पाकिस्तान इसको यहाँ पर बिल्कुल बांधना चाहता था और इसके बाद इसको कट करना चाहता था। अब इसमें क्या हुआ कि कारगिल लड़ाई के 3 मुख्य कंट्रोल थे कि पहला उनका प्लान ये था कि जो हाइट्स थी रोड के अलोंग उनको गेन कर लिया जाए और जब इंडिया उस पर रेस्पॉन्ड करे बेसिकली तो उसके बाद स्ट्रेटजिक रूट्स को पकड़ा जाए और मिलिट्री पुशिंग उसके बाद फौज को वापस किया जाए। ये नक्शा दिखाता है एरिया वाइज, इसको आपको शायद ठीक से दिखेगी भी नहीं लेकिन मोटा मोटा ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान को पता लगा कब, जब कुछ बकरवाल जो होते हैं, जैसे बकरी चराने वाले, उन्हें बकरवाल बोलते हैं, वो हाई अल्टीट्यूड पर ऊपर जाते हैं, उन्होंने खबर दी कि साहब कुछ लोग ऊपर पहाड़ों पर बैठे हुए,
उसके बाद हिंदुस्तान ने एक पेट्रोल भेजी, सौरभ कालिया के अंडर में गए और वो पेट्रोल वहां पर इन लोगों ने एम्बुश कर दी। और आपको शायद विदित हो, याद भी हो कि उसका शव बड़े क्षत विक्षत रूप में सौरभ कालिया का आया था, कि उसके हाथ में जलन काट दिए थे, कुछ अंग काट दिए थे, मतलब इस तरह से ब्रूट उन्होंने उसके साथ सलूक किया था पकड़ने के बाद। तो ये सबसे फौज एकदम सकते में आ गई और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि भाई ये तो वाकई में कुछ है। शुरू शुरू में तो ये लगा कि जैसा हर बार होता है कि भाई लड़ाई कैसे छेड़ दी जाए, लेकिन नहीं, जब पता लगा धीरे धीरे कि ये ऐसा नहीं है कि छोटा इंसिडेंट है, ये सारे इलाके में जब पेट्रोल भेजी गई तो पता लगा कि ऊपर पूरे इनके पाकिस्तानी फौजी बैठे गए। तो मई के बाद एक्शन शुरू हुआ और बेसिकली जो आप जो श्रीनगर में हमारी उस वक्त 15 कोर थी उसकी 8 माउंटेन डिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताक्सर में, और उसके बाद कुछ और फौज नीचे से भेजी गई जिसमें कि द्रास में और ब्रिगेड्स में भी 3 डिव जो लेह लद्दाख में थी उसको भी लगाया गया। इसके अलावा आर्टिलरी भेजी गई और 6 इंजीनियर रेजिमेंट लगाई गई यहाँ पर। मैं आपको बता दूं इसी में हम लोग उन दिनों, मैं 112 इंजीनियर रेजिमेंट हमारी सिलीगुड़ी में सुकना एक जगह है, सुकना में हम लोग थे। हमें ओवरनाइट मैसेज मिला ईएनसी की तरफ से बटालिक सेक्टर में आपको मूव करना है क्योंकि वहां पर फौज स्टैंड स्टिल हो गई, इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है, फौज आगे नहीं बढ़ पा रही। ये जो मैं इम्पोर्टेंस आपको डीडीएम साहब ने, मुद्रा साहब ने शुरू में बताई कि इंजीनियर्स की महत्ता, आप समझ सकते हैं कि हमें वहां से सुकना से स्पेशली बटालिक सेक्टर के लिए, क्योंकि इंजीनियर्स वहां नहीं थे और हमारी आर्मी अटैक करके जीत नहीं पा रही, तो इंजीनियर्स को वहां से कुछ को एयरलिफ्ट किया गया, बाकी स्पेशल ट्रेन से इमीडिएटली मूव किया गया। मेरी बटालियन, मेरी रेजिमेंट 112 इंजीनियर रेजिमेंट, मुझे रात को ऑर्डर मिला, मुझसे पूछा गया कि कितने समय में आप निकल सकते हो, और आपको ताज्जुब हुआ कि हम 24 घंटे के अंदर वहां से निकल रहे पूरे। और एक इंजीनियर रेजिमेंट में लगभग 950 आदमी होता है और 950 के अलावा डोजर और मशीनरी, जितनी भी ड्रिल मशीनें बड़ी बड़ी, पिंजर राउटर, कंप्रेसर, ये सारे एलिमेंट, और हमारे ट्रेड्समैन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, टिनस्मिथ, मतलब जो भी ट्रेड है वो सारे ट्रेड्समैन होते हैं बेसिकली इंजीनियर रेजिमेंट में। लेकिन वो खाली ट्रेडमैन नहीं होते, वो सिपाही भी होते हैं। और इंजीनियर का पर्पस बेसिकली क्या है कि मौका पड़ने पर उन्हें हथियार उठाना चाहिए, उठा सकते हैं। ये फोर्सेस थी जो हमारी भारत की सेना थी और पाकिस्तान की सेना थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारी फौज कुछ ज्यादा है जबकि पाकिस्तान की कम है। इसकी वजह खासकर यह है कि पाकिस्तान ऊपर बैठा था, और आपको पता होना चाहिए कि अटैक करने के लिए 1:2 कम से कम 1:8-9 का रेशो चाहिए। अगर एक जगह को वहां 10 आदमी है तो हमें कम से कम 100 आदमियों का अटैक जाएगा, तब जाके सक्सेसफुल होगा, उससे कम पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हैवी हो गई थी वहां पर। आप फोटो के अंदर देख रहे हैं बोफोर्स गन ने बहुत काम किया था, और ये दूसरे फोटो के अंदर एक जीत के बाद जवान पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं, और ये जो मेडल है, ये मेडल मेरे भी आप लगा हुआ अगर स्टार देख सकते हैं तो ये जो लड़ाई के अंदर स्टार मिला था फौजियों को, ऑफिसर का, वो स्टार है। सबसे पहले ये द्रास सेक्टर के अंदर क्या हुआ। द्रास सेक्टर में जैसे कि आप पहाड़ी देख रहे हैं, तोलोलिंग पहाड़ी थी और ये टाइगर हिल है नीचे की तरफ। टाइगर हिल से सीधा द्रास सेक्टर दिखता था, द्रास यहां से पाकिस्तान यहां बैठ कर सीधी गोलाबारी यहां कर रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब हम मूव कर रहे थे और हम कारगिल के द्रास के पास पहुंचे थे तो ऊपर से उन्होंने हमारी रात में हमसे कहा गया लाइटें ऑफ करके पहाड़ी की सड़क पर गाड़ी निकलेगी। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में बिना लाइट के, बिना शोर किए हुए कैसे निकल सकते हैं। और फिर भी पाकिस्तानियों ने वहां पर इमीडिएटली शेलिंग कर दी, जिसमें कि हमारी 2 गाड़ियां आगे की जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई काफी, लेकिन वो इतना नहीं कर पाए। फिर भी हम लोग किसी तरह से रात में धीरे धीरे करके उन जगहों से क्रॉस करके कारगिल करके आगे निकल गए। ये लड़ाई जो थी 6 जुलाई को तोलोलिंग की लड़ाई जीती थी,
उसके बाद टाइगर हिल जो आप देख रहे हैं ये 6 जुलाई को हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिया था। ये जो आप रिहनो हॉर्न वगैरह देख रहे हैं सब टॉप हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की ऊंचाई है फोटो के अंदर, अगर अंदाजा लग सकता है आपको। लेकिन देखने में जितनी सुंदर और सुगम दिखती है पहाड़ियां, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको अंदाजा हो सकता है इस चीज का। लेकिन अब क्या था कि बटालिक सेक्टर में जहां हमें मूव करने के लिए ऑर्डर दिया गया था वहां पर पूरे ऑपरेशन रुके हुए थे क्योंकि इंजीनियर्स की वहां कमी थी, इंजीनियर्स नहीं थे। तो हमें हुक्म मिला था कि आप बटालिक सेक्टर में जाके जो 70 ब्रिगेड है उसके साथ लगिए और वहां पर जो गुरखास बिहारी ग्रेनेडियर्स जो भी पलटने थी उनका सहयोग करिए और उनके साथ ऊपर लड़ाई के अंदर जाइए। ये बटालिक सेक्टर है, पैनोरमिक व्यू इस तरह से है, कुकराथांग मुंदू डालो ये पूरा बटालिक सेक्टर है, ये पहाड़ी इलाका है। और जैसा आप नक्शे में देख रहे हैं ये दहाई ओल्दोर रोड है यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई जो है 14,000 से लेकर 18,000 फीट तक है, ग्लेशिएटेड एरिया है, बर्फ से ऊपर एकदम ठंडी हवाएं चलती है बर्फ की और कुछ भी नहीं है ऊपर, ना हमारी कोई अप्रोच थी ना कोई पगडंडी थी यहाँ से किसी तरह से। तो मेरी रेजिमेंट को टास्क मिला था कि इस इलाके के अंदर आप जो है अपना खालुबा टॉप और इस इलाके के अंदर आपकी रेजिमेंट काम करेगी और इन्फेंट्री का सपोर्ट करेगी। ये क्लोज खालुबार हिल का आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, जैसे इन पत्थरों के अंदर से हमें रास्ता बनाना था जबकि पाकिस्तानी फायरिंग बराबर चल रही थी इसके अंदर। टोटल इंजीनियर रेजिमेंट जो थी इस लड़ाई में कारगिल में जो थी, खासकर 4 इंजीनियर रेजिमेंट मेनली यूज हुई थी और 2 इंजीनियर रेजिमेंट पीछे की तरफ रही थी जो रिजर्व में थी और जिन्होंने पीछे के काम किए थे। 108 इंजीनियर रेजिमेंट 8 माउंटेन डिविजन में थी, 2 इंजीनियर रेजिमेंट 3 माउंटेन जो सियाचिन और तुरतुक का इलाका था, 106 द्रास सेक्टर में थी और हम बटालिक सेक्टर में 112 इंजीनियर रेजिमेंट 70 ब्रिगेड और 100 उसके साथ थे। बेसिकली 108 इंजीनियर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रोहित थे और 2 इंजीनियर के कर्नल कृष्ण, 106 के कर्नल आईपीएस आहूजा और 112 का मैं कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल एनबी सक्सेना। तो हमारा जो टास्क था बेसिकली बटालिक सेक्टर का था। अब मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इंजीनियर्स ने वहां पर किस तरह से काम किया और मदद की। बेसिकली जैसा कि आपको बताया या आप फोटो देख रहे हैं, लड़ाई के दौरान तो फोटो उस टाइम तो फोटो थे भी नहीं जो किसी तरह का फोटोग्राफी आसानी से हो जाती। ये फोटो जो आप देख रहे हैं उस समय की है जब ऊपर कैप्चर किया जा चुका था और उसके बाद जो माइन लगी होती हैं उन माइंस को जवान क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि जब इन्फेंट्री असॉल्ट करती है ऊपर की तरफ तो एक इन्फेंट्री लेन बनाई जाती है जो इंजीनियर्स बनाते हैं लड़ाई के दौरान। पहाड़ों पर लेन बनाना बहुत मुश्किल है। एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है, मेरी एक कंपनी जब उसको हुक्म मिला कि इन्फेंट्री के साथ तुम आगे जाओगे और रात में ये था कि पाकिस्तानी ऊपर बैठे थे और मेरी कंपनी के कंपनी कमांडर ने रात के 2 बजे मुझे मैसेज दिया कि सर इतनी फायरिंग हो रही है कि आगे इन्फेंट्री भी नहीं बढ़ पा रही है और ना हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में कि अगर व्यक्ति क्या करे। लेकिन ये समय वो होता है जहां पर आपकी लीडरशिप को बहुत महत्वता होती है और अगर आप ऐसे समय लीडरशिप फेल होती है तो सारी, क्योंकि हम जानते थे कि अगर ये हमारी फौज सुबह ऊपर नहीं पहुंची तो दिन में सूरज निकलते ही ऊपर के बैठे हुए लोग एक एक गिन गिन के हमें मार देंगे क्योंकि हम नीचे की तरफ, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब मुझे कमांडिंग अफसर को पता लगा, हम वहां पर पहुंचे, कंपनी कमांडर भी थे, तो मेरा सूबेदार मेजर ने कहा कि देखो अगर जवानों लड़ाई कुछ भी चलती रहे ये अगर कमांडिंग ऑफिसर आपका, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, अच्छा कोई इस फायर में आगे बढ़े या ना बढ़े ये सेकंडों का बात होती है और आपको उसको ध्यान नहीं होता कि क्या हो रहा है, सिर्फ आपको अपनी इज्जत और वो दिखाई पड़ता है। इस सिचुएशन में जब मैं खड़ा हुआ ऊपर तो एकदम एक बगल में
मेरे जो इंजीनियर रेजिमेंट है उसमें खालसा ट्रुप और मराठी ट्रुप दोनों थे, खालसे भी और मराठे भी। तो एक ने कहा कि देखो यार ये आदमी जो 40-45 साल की उम्र का है वो चल पड़ा, तुम 20-20 साल के लड़के डर के लेटे हुए हो, इसे जोश की बात कहते हैं। इतना कहना था कि वो उठे और फौरन अपनी माइंड उन्होंने क्लियर करना शुरू किया, बड़ा हैवी फायरिंग थी और ये देखते ही इन्फेंट्री ने भी फिर एकदम फायर शुरू कर दिया। और उसके बाद जब ये इधर से शुरू हुआ तो मराठों ने उधर से कहा अरे भाई देखो ये खालसे चल पड़े, तुम किस लिए पीछे हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि लीडरशिप ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होता है कि हो सकता है गोली हमारे नाम की ना लिखी हो लेकिन उस सेकंड के अंदर कोई भी गोली किसी के ऊपर से निकल सकती है, लेकिन ये डिसीजन एज ए लीडरशिप वहां पर बहुत जरूरी है। और ये डिसीजन के बाद वो अटैक पूरा हुआ और सुबह तक विजय प्राप्त हुई। उसके बाद वहां पर माइंड क्लियरेंस हमारे इंजीनियर्स ने किया और काफी उसकी सराहना की गई और काफी उसका बाद में जो अवार्ड भी थे हमारे रेजिमेंट के। दूसरा काम इंजीनियर्स का ट्रैक बनाना था। ये मैं आगे आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा, मेरे कंपनी कमांडर ने लिखा है कि किस तरह से जो गनासक सेक्टर में था वहां पर लड़ाई के टाइम पे क्या हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें फुट ट्रैक भी होते हैं, म्यूल ट्रैक भी होते हैं, क्लास 9 गाड़ियों की भी ट्रैक होती है। ये डोजर काम बाद में जो कर रहा है, ये यालदोर सड़क के ऊपर का फोटो है, दहायालदोर वहां पर काम करते हुए। डिफेंसेस जब इन्फेंट्री वहां पहुंच जाती है उसके बाद हम उनके डिफेंसेस बनाते हैं क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं एनिमी के लिए और दुश्मन कभी भी काउंटर अटैक कर सकता है, उसको बचाने के लिए ये डिफेंसेस तैयार किए जाते हैं, उसमें इंजीनियर्स का बहुत महत्वता होती है। हेलीपैड्स वगैरह बड़ी कॉमन चीज है क्योंकि हेलीकॉप्टर ही एक ऐसी चीज है जो इमीडिएटली वहां पर पहुंच के लोकेशन में सहायता प्रदान कर सकती है। सियाचिन में हमने अशोका आपको ध्यान बता दूं यहाँ पर कि एक तेल ही ऐसी चीज है केरोसिन जो सियाचिन में फ्रीज नहीं होता है क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत नीचे होता है। तो पहले क्या था, केरोसिन जेरिकेन जाया करते थे ड्रम्स में, उसके लिए हमने अशोका पोस्ट से बेस कैंप से एक पेट्रोल ये केरोसिन लाइन पूरी बिछाई थी। हमारे जवान कुछ यहाँ पर जो फोटो में आप देख रहे हैं छोटे फोटो में सफेद कपड़ों में, ये पाइपलाइन पूरी बिछाई गई और ये बहुत मुश्किल काम था। उस जैसा कि मैंने आपको सियाचिन बताया भी है ये पूरी लाइन, और ये काफी आज तक, अब तो सुना है मैंने कि ये लाइन और आगे तक ऊपर इंजीनियर्स ने कर दी है, पूरे टॉप तक इसकी लाइनें चली गई। एमरजेंसी ब्रिजेस कलवर्ट्स इंजीनियर्स का काम है। कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी देखिए इंजीनियर्स के दो काम है कि जब आगे फौज बढ़ रही हो तो जो भी बाधा आए उसको दूर कर, और जब पीछे फौज हट रही हो तो सबसे बाद में जो भी दुश्मन के लिए बाधा पैदा करना और उसकी रोड मार्ग को अवरोध पैदा करना। तो ये बेसिकली ये था। अब थोड़ा सा जो मेरी रेजिमेंट थी ये तीन एरिया तीन फील्ड कंपनी थी, 288 289 जो आप देख रहे हैं 289 और ये 290 फील्ड कंपनी 288 फील्ड कंपनी, और ये इलाका था इन तीनों का बटालिक सेक्टर में, और मेरा हेडक्वार्टर यहाँ दहा में था और ये हमारी सपोर्ट कंपनी थी फील्ड कंपनी फील्ड पाक कंपनी। ये नाम है जिन लोगों के, मैं इसमें कमांडिंग ऑफिसर था हेडक्वार्टर में और इनका। ये फोटो है जब डिफेंस में जब हम लोग विजयी हुए थे उसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस वो विजिट किया था, तो मैं इनको ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ आप खड़ा देख रहे हैं ये ब्रिगेड कमांडर हैं और ये डिव कमांडर, इनको ब्रीफिंग दी गई वहां पर टॉप से कहाँ कहाँ पाकिस्तानी किस किस तरह से आए थे वो समझाते हुए। ये दूसरी TOT फील्ड कंपनी जो मुंदू डालो पे थी यहाँ पर, और इन्होंने पूरे ट्रैक कंस्ट्रक्शन किया, ये उनका इलाका था। ये मुंदू डालो का जो फोटो है बाद में कैप्चर करने के बाद, ये उनका कंपनी कमांडर अभिषेक, ये मैं और ये की लेफ्टिनेंट राहुल, ये अफसर हैं यहाँ पर जब ऊपर हम लोग पहुंचे थे जीत के बाद। ये कंपनी का मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको, 289 फील्ड कंपनी का, बड़ा इसका जो इंसिडेंट हुआ था वहां पर वो उसने खुद अपने मेमोरीज में लिखा है। क्या हुआ कि यहाँ पर जब एक 0.45465 था और उसके ऊपर इन्फेंट्री जाके अटैक करके बैठ गई। अब इन्फेंट्री ने वहां पे जीत लिया
लेकिन हुआ क्या कि वो खड़ी चट्टान थी और पाकिस्तान काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा था, और यहां पर किसी भी तरह से ना तो हथियार पहुंच पा रहे थे और ना गोली और बारूद पहुंच पा रहा था। इंजीनियर्स का काम यह हुआ कि मेरी कंपनी वहां पर इतनी तेज फायरिंग थी एलएमजी की और दुश्मन की कि ये कोई कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पर उनके जो सीओ ने थे चीफ को चिट्ठी लिख दी कि साहब इंजीनियर्स यहाँ पर फेल हो गए एक तरह से। मुझे जब खबर लगी, मुझे ऊपर से पता लगा कि साहब ऐसा क्यों हुआ, मैंने फॉरन कंपनी कमांडर को एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग चिट्ठी है, इसमें खैर आप पढ़ नहीं सकते। मैंने उसको लिखा फौरन ही, ये सारे काम चिट्ठी विट्ठी वहां हाथ से जाती थी एक दिन के अंदर, लेकिन ऊपर नीचे जाने में दो दिन लग जाते थे पहाड़ पे। तो उस कंपनी कमांडर ने जब काम शुरू किया वहां पर रात के अंदर, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, और कैप्टन गंगाधर एक वहां पर मेरा उस कंपनी में 2IC था, उसने कहा अच्छा भाई मुझे 4 वॉलंटियर दो। अब देखिए यहाँ पर जो लीडरशिप है, जो लोअर लीडरशिप जो हम कहते हैं कि यंग अफसर जो है, और उन्होंने कहा मैं इस काम को अंजाम देता हूँ, और कैप्टन गंगाधर ने बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के बहुत ही इंजेन्यूटी से, जैसे पटाखे होते हैं हमारे यहाँ बायकॉट स्ट्रिप्स होती हैं, इन्होंने क्या किया कि बायकॉट स्ट्रिप्स को लेकर जला के दूर फेंक दिया उस जगह से जहां पे काम कर रहे थे, और उस जगह पर फट 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 पटाखे छूटते रहे, और एक आदमी वहां बैठाल दिया। वो अपने पाकिस्तान ये समझ रहे हैं कि वहां से फायरिंग हो रही है, और उन्होंने सारा फायर उस तरफ झोंक दिया, और इन द मीन टाइम रात में ये लोग उस ट्रैक के ऊपर इन्होंने बनाना शुरू किया, और खाली खुदाई करते हुए 2 रातों के अंदर इन्होंने वो ट्रैक बनाई। और आप ये समझ सकते हैं कि बिना खाए पिए वहां पर उसके ऊपर 10-15 लोग, जिसपे एक आदमी नहीं चल सकता, वहां पर इन लोगों ने जाके वो काम किस तरह से किया, वो एक रिमार्केबल जॉब था जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। और पाकिस्तान इस मुकालते में रह गए कि शायद दूसरी तरफ से काम हो रहा है, और धोखा देके उन्हें ये ट्रैक बनाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर लड़ाई के अंदर आपको ये भी दिमाग बहुत चलाना होता है, जोश तो ठीक है लेकिन होश बहुत जरूरी है। और 3 दिन बाद उन बेचारों को पहली बार जब गर्म चाय और 3 दिन पुरानी पूरी नीचे से पहुंची ऊपर, तो उन्होंने खाई तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि स्वर्ग से स्वादिष्ट भोजन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप कुछ समझ सकते हैं उनकी मनस्थिति कि वो 3 दिन पुरानी बासी पूरी पहुंची उनके पास और चाय, उन्हें उससे कहते हैं आज तक हमें किसी भी पार्टी में उतना स्वाद नहीं आया जितना कि उन बासी पूरियों में और उसके अंदर। ये इस तरह से इंजीनियर्स का काम जो है हुआ। हमें इन आर्मी डे के ऊपर हमारे रेजिमेंट को इस कार्य की सराहना की गई, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रेजिमेंट को जो यूनिट साइटेशन दिया, मैं यूनिट साइटेशन रिसीव करता हुआ 1 जनवरी 2001 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पद्मनाभन ने दिया था, जो लड़ाई में हमारी रेजिमेंट ने काम किया था। ये प्रशंसा पत्र है, ये मेडल्स हैं जो हमें लड़ाई के दौरान मिले, और प्रशंसा पत्र 99 में हमने जो कार्रवाई की हमारे रेजिमेंट ने। अंत में बस इतना ही मैं कहूंगा कि इंजीनियर्स का काम, हालांकि जो मैंने बताया वो जैसा कि लगता है, हम लोग देखिए हथियार होते भी हथियार नहीं चला सकते क्योंकि हमें पहले अपना काम करना होता है। तो एक तरह से हम, जिसे हम भाषा में कहते हैं सिटिंग डक, मतलब दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है लेकिन हम अपना काम छोड़ के प्रहार नहीं कर सकते, ये बहुत विडंबना है। और इसी तरह इंजीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि कहा कि झंडा हमेशा ऊपर गाड़ने वाले, नींव के पत्थर को कोई नहीं देखता है और मीनार के ऊपर के झंडे को सब देखते हैं। तो इंजीनियर्स जो हैं वो बेसिकली नींव का पत्थर है आज भी फौज के साथ, और जो भी आप कार्रवाई इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ आज जो चाइना का अगेंस्ट है वो हमारा है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी मैंने आपके साथ अभी बताया है, आशा है कि आपको कुछ इससे फायदा पहुंचेगा और कुछ आपकी समझ में चीज प्रेजेंट आई होगी। धन्यवाद।